नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। ये पार्ट चार होगा ह्यूमन ज्योग्राफी से मानव विकास वाला जो चैप्टर है उससे। तो कुल मिला के चार पार्ट्स में ये वीडियो होगी। एक में हम ये मानव विकास का कॉन्सेप्ट समझेंगे, दूसरी वीडियो में हम मानव विकास के स्तंभ, फिर उपागम और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं करेंगे। चार पार्ट में ये वीडियो पूरा चैप्टर आएगा। ये पहला पार्ट है, आइए हम शुरू करते हैं मानव विकास क्या होता है। देखिए, जो मानव विकास का कॉन्सेप्ट है उसे आप इस तरह से समझिए कि हम कब कहते हैं कि कोई आदमी विकास कर रहा है। हम कहते हैं कि भाई इसके पास चार गाड़ी आ गई है, इसको सरकारी नौकरी लग गई है, हम कहते हैं अब तो इसका विकास हो गया है ना, इस तरह से हम जोड़ते हैं विकास को। लेकिन सही मायने में किसी आदमी का विकास कब हो सकता है, जब उसके पास वो सारे संसाधन हों जिससे वो अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर सकता है। यानी कि यदि वह पढ़ जाता है, पढ़ लिख जाता है, तो हम कहते हैं कि उसका विकास हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। इससे क्या होगा, इससे उसके जीवन में वृद्धि होगी, जीवन का जो स्तर है, जो रहन सहन है उसका, उसमें वृद्धि होगी, उसके विकल्प खुल जाएंगे। अगर वो पढ़ लिख लेता है तो, अगर वो स्वस्थ है तो, है ना। कैसे, मान लो उसने MBBS कर लिया तो वो डॉक्टर बन जाएगा, है ना। 12वीं क्लास कर ली तो फिर उसे ग्रेजुएशन कर सकता है, वो अन्य प्रकार की नौकरियों में जा सकता है। अब वो स्वस्थ हो, अगर वो स्वस्थ है तो वो नौकरी कर सकता है। मान लो कोई पढ़ लिख लिया किसी आदमी ने, किसी ने शिक्षा तो प्राप्त कर ली लेकिन उसने जो है स्वस्थ नहीं है, वो तो नौकरी ही नहीं कर सकता भाई। हर दो दिन बाद अगर बीमार पड़ जाएगा तो कंपनी वाले निकाल देंगे, तो इससे क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी। तो शिक्षा होना ज़रूरी है, स्वास्थ्य होना ज़रूरी है, जीवन में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है मानव विकास के लिए। इसलिए मानव विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ पैसे से जुड़ा हुआ नहीं है, नहीं, वो उसका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ पैसे पे आधारित नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें है। तो मानव विकास का क्या मतलब हुआ, मानव विकास से तात्पर्य है लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना है और उनके जीवन में सुधार लाना है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि लोगों के विकल्प में वृद्धि होनी चाहिए, तब जाके उसके बाद हम कह सकते हैं कि उसका मानव विकास, उसका विकास हुआ है। यानी कि अगर आप मान लीजिए आपके पास संसाधन है, अगर आपकी नौकरियों में विकल्पों में वृद्धि हो रही है तो मानव विकास हुआ है आपका। अगर आप मान लीजिए सिर्फ तीसरी क्लास तक पढ़े लिखे होते हैं तो आप सिर्फ दिहाड़ी मजदूर बन सकते हैं, लेकिन अगर आपने 12वीं करी है, आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप अन्य प्रकार की नौकरियों का विकल्प भी आपके लिए खुल जाएगा। तो ये कब होगा, जब आप शिक्षित होंगे। तो यानी मानव विकास तब हो सकता है जब विकल्पों में वृद्धि हो और उसके जीवन में सुधार लाया जा सके तब। अब ये वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इन सबको, इस ये जो दो टर्म्स हैं इनको समझना बहुत जरूरी है। वृद्धि का मतलब क्या होता है और विकास का मतलब क्या होता है। दोनों का ही मतलब आप कहेंगे एक ही तो होता है, वृद्धि होना या विकास होना, नहीं। दोनों में एक बहुत मौलिक डिफरेंस है, उसे समझना जरूरी है। वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, यानी कि नंबर्स में बताई जा सकती है, और जो विकास होता है वो गुणात्मक होता है, यानी क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटी में बताया जाता है। जैसे कि इस एग्जांपल के साथ समझिए कि आप कहते हैं कि आपकी आपका जो हाइट है वो बढ़ रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है, पहले 5'2" थी, फिर 5'4" हुई, फिर 5'6" हुई। तो जो नंबर्स में चेंज आ रहा है, ये बढ़ नंबर्स में जो बढ़ रहे हैं आपके, तो हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बॉडी का ग्रोथ। ग्रोथ मतलब वृद्धि, बॉडी का ग्रोथ जो नंबर में हो, मात्राओं में जिन्हें बताया, जो डिजिट में जिन्हें बताया जाता है, जिसे क्वांटिटी में बताया जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आपके बुद्धि में भी वृद्धि हो रही है, आपके समझ में वृद्धि हो रही है, आपने पहले 12वीं क्लास पास की, आपने फिर ग्रेजुएशन किया, फिर आपने MA किया और अब आप टीचर्स बन चुके हैं, तो हम क्या कहेंगे इसे कि ये इससे आदमी का विकास हो रहा है, जो गुणात्मक वृद्धि होती है। यानी कि पहले आपको साइकिल चलाने नहीं आती थी, फिर आपको साइकिल चलाने आ गई, तो इसे हम क्या कहते हैं कि बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है गुणात्मक, आपकी क्वालिटी बढ़नी चाहिए, आपकी क्वालिटी बढ़नी चाहिए। तो इस तरह से आप कैसे जोड़ते हैं, जैसे देखिए आप शहर में अगर लोगों की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो उसे हम क्या करें, शहर का ग्रोथ कहेंगे, हम उसे किसी सिटी का ग्रोथ कहेंगे, पॉपुलेशन बढ़ना, नंबर्स में बढ़ते हैं लोग। लेकिन उस सिटी का डेवलपमेंट कब होगा, विकास कब होगा, जब वहाँ पे गुणात्मक वृद्धि होगी, क्वालिटी सुधरेगी। यानी कि वहाँ पे स्कूल खुलेंगे, वहाँ पे अस्पताल खुलेंगे, वहाँ पे फ्लाईओवर्स बढ़ेंगे, यानी कि वहाँ जब क्वालिटी सुधरेगी, ठीक है। जो वृद्धि होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे जीडीपी कभी कभी जब पॉजिटिव बढ़ती है तो पॉजिटिव में दिखाया जाता है, जब जीडीपी घटती है तो उसे
नेगेटिव दिखाते हो, तो नेगेटिव ग्रोथ होती है जीडीपी की। जैसे अभी कोरोना के समय में बहुत सारी दुनिया में जो ऐसी इकोनॉमीज है जो नेगेटिव ग्रोथ में जा रही है, यानी कि घट रही है। ठीक है, अब विकास जो होता है, जो जो गुणात्मक होता है, वो हमेशा सदैव पॉजिटिव रहेगा, सदैव धनात्मक रहेगा। तो ये मेन डिफरेंस है वृद्धि और विकास में। अब लोगों के जीवन की गुणवत्ता जो होती है, जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जीवन की गुणवत्ता का मतलब है कि रहन सहन का क्या तौर तरीका है, किस तरह की क्वालिटी आपके लाइफ की है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आपका कैसा है। क्या आप स्लम में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप स्लम में रहेंगे तो आसपास खुली हुई नालियाँ होंगी, वहाँ डेंगू हो सकता है, मच्छर हो सकता है, बीमार ज़्यादा पड़ते होंगे। लेकिन आप अगर किसी वेल मेंटेन सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ जाहिर सी बात है आपकी जीवन की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी, साफ सफाई क्योंकि वहाँ हुई। तो देखा जाना चाहिए लोगों की गुणवत्ता। अब ये लोगों की जो गुणवत्ता है ये किसके ऊपर आधारित है, ये दो चीज के ऊपर आधारित है, एक तो अवसरों की उपलब्धता पे और दूसरा स्वतंत्रताओं का जो आप उपयोग करते हैं, दो चीज के ऊपर निर्भर करती है लोगों की जीवन की गुणवत्ता, अवसरों की उपलब्धता और स्वतंत्रताओं का उपयोग। ये विकास के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, इन दोनों के बिना ये विकास लोग नहीं कर सकते। अवसरों की उपलब्धता का क्या मतलब है? अब अवसरों की उपलब्धता का मतलब ये है कि अगर आपके पास शिक्षा प्राप्त करने का अवसर ही नहीं है तो आपका विकास नहीं हो सकता। अवसरों की उपलब्धता का मतलब है कि आपके पास वो अवसर होने चाहिए जिनका आप प्रयोग करके अपना विकास कर सकें, अगर वो नहीं है तो आप अपना विकास नहीं कर सकते। और दूसरा है स्वतंत्रताओं का उपयोग। अगर किसी देश में भ्रष्टाचार ज़्यादा है, स्वतंत्रता लोगों के पास नहीं है, आपके स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पे ये यह है कि मान लीजिए कि आपके पास, चलिए मान लेते हैं कि भाई आपके हॉस्पिटल है, आपके स्कूल भी है आपके आसपास, लेकिन आपके पास वहाँ अपने पैसे ही नहीं है, यानी कि क्या आप स्वतंत्र हैं वहाँ पर इलाज कराने में? आप इलाज कराने के लिए वहाँ स्वतंत्र नहीं हैं, आप पढ़ाई करने के लिए वहाँ स्वतंत्र नहीं हैं। तो स्वतंत्रताओं का आप उपयोग कर सकते हैं या नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है विकास के लिए। तो दो विकास करने के लिए कि अपना विकास करने के लिए दो चीज़ की बहुत आवश्यकता होती है, एक है अवसरों की उपलब्धता हो आपके पास, यानी आपके पास अवसर हो, और दूसरी क्या है, आपके पास स्वतंत्रता हो। ये अमृत सेन ने कहा, अमर्त सेन ने। अब ये मानव विकास का कॉन्सेप्ट सिलेबस में कैसे जुड़ रहा है, तो बहुत बड़ी घटना है, 1990s की ये घटना है, 1980 के आखिरी दशक के सालों में और 90 के दशक के शुरुआती सालों की ये घटना है। हुआ क्या कि 90 के दशक के शुरुआती सालों में महबूब उल हक, ये बांग्लादेश के बहुत जाने माने अर्थशास्त्री, और अमृत सेन, प्रोफेसर अमृत सेन भारत के, इन लोगों ने मानव विकास प्रतिवेदन तैयार किया था। उसके बाद UNDP 1994 में जो आया उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो इन्होंने एक मानव विकास प्रतिवेदन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताया, जिसमें ये बताते हैं कि कौन सा देश ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे ऊपर है, कौन सा देश ह्यूमन डेवलपमेंट में नीचे है। तो उस हिसाब से ये एक रैंक देते हैं, जैसे हम कहते हैं ना GDP में ये देश आगे है, ये देश आगे है, ये देश पीछे है, तो उसी तरह से मानव विकास में एक इंडेक्स तैयार किया गया जिसमें ये रैंक देते थे कि इस देश में ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा है, इसमें कम। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन के अंडर में आता था, यूनाइटेड नेशन ने फिर इसे अपनाया। तो UNDP जो है हर साल HDI नाम से जो है इंडेक्स निकालता है। UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, ये आप लिख लेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। HDI का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक हिंदी में, प्रत्येक वर्ष आता है ये। ठीक है, तो हर साल इसमें रैंक बदलती जाती है, जो टॉप के देश हैं वो लगभग ऊपर नीचे एक दो जो है आगे पीछे होते रहते हैं, बाकी उनकी रैंक वैसी ही है। भारत भी जो है अभी 129वां रैंक है भारत का इस समय। तो ये सब पूरी कहानी कि मानव विकास कैसे सिलेबस में आपका जुड़ता है। आगे कुछ और अगर महत्वपूर्ण इसमें हम बात करें तो सार्थक जीवन का कॉन्सेप्ट आता है कि भाई मानव विकास हो जाएगा, ठीक है मानव विकास हो जाएगा, इससे होगा क्या? तो मानव विकास हो जाने के बाद जो आदमी है वो सार्थक जीवन जी सकता है। अब ये सार्थक जीवन क्या है? सार्थक जीवन का मतलब सिर्फ यही है कि मानव विकास होने के बाद आदमी जो है अधिक आयु तक जिएगा। भाई आपने ऐसे भी कई लोग देखे होंगे जो 80-80 साल, 90-90 साल जीते हैं लेकिन बेड पे पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, उनकी हालत जो है मृत्यु समान होती है, दवाई के ऊपर जीते रहते हैं। ठीक है, तो वेंटिलेटर्स पे जीते हैं लेकिन लंबी आयु हो गई है, 80 साल के लेकिन वेंटिलेटर पे जी रहे हैं, तो ये कोई सार्थक जीवन नहीं हो सकता। सार्थक जीवन क्या होता है? सार्थक जीवन का मतलब का अर्थ केवल अधिक आयु तक जीना नहीं, बल्कि स्वस्थ रूप से जीना,
विवेकशील होकर जीना, विवेकशील मतलब आपके पास सोचने की, समझने की, तर्क करने की शक्ति होनी चाहिए, आपके पास सोच समझ की शक्ति होनी चाहिए, प्लस सही गलत में अंतर करना आपको आना चाहिए, और बुद्धि का विकास हो, समय में समाज में प्रतिभागिता हो, समाज में प्रतिभागिता का मतलब ये है कि आप का जो है समाज के अंदर कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है, तब आप सार्थक जीवन जी सकते हैं। यानी कि आप समाज से बाहर कर दिए गए हैं और आज समाज में आपकी कोई बात नहीं सुनता है, तो इस तरह से आप सार्थक जीवन नहीं जी सकते। ये ठीक उसी तरह से जो कहानी हमें सुनाई जाती है कि गांव में जो है अमीर लोग छोटे लोगों को, गरीब लोगों को जो है समाज से बाहर कर देते थे, गांव से अलग कर देते, तो कहते हैं कि तुम फला जाति के हो, ये वो, इधर उधर चले जाओ। तो ये कोई सार्थक जीवन वो आदमी नहीं जी सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि समाज में उसकी भी प्रतिभागिता होनी चाहिए, समाज का हिस्सा उसे भी माना जाना चाहिए, और अपने जीवन में उद्देश्य को पूरा करने वाला हो, और अपने आपका जीवन का उद्देश्य है आप उसे पूरा कर सकें। अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं, यानी कि आप स्वस्थ हैं, विवेकशील हैं, आपके बुद्धि का विकास हो रहा है, समाज, आप समाज के हिस्सेदार हैं, समाज में आपकी भागीता है, और जीवन का आपका उद्देश्य है और आप उसे पूरा करने की क्षमता रख रहे हैं, तब जाके हम कहते हैं कि आप एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। तो मानव विकास से ये सब हो सकता है। अब सार्थक जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है? तो जो सार्थक जीवन जीने के लिए जरूरी है उसे हम कहते हैं मानव विकास के घटक। सार्थक जीवन आप कब जी सकते हैं, या मानव विकास जो है सार्थक जीवन को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके संसाधनों तक पहुंच हो, यानी कि स्कूल तक, कॉलेजेस तक, नौकरियों तक, इन सब तक आपकी पहुंच हो। दूसरी बात यह हो कि आप स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई, जैसा मैंने आपको बताया नौकरी चले आपकी लग गई, लेकिन आप स्वस्थ ही नहीं है, आप हफ्ते में 2 बार जो है बीमार पड़ जाते हैं, 3 दिन आप छुट्टी ले लेते हैं, लीव एप्लीकेशन लगा देते हैं, तो आप क्या काम कर पाएंगे? आप काम ही नहीं कर पाएंगे, तो आपको भगा दिया जाएगा। तो संसाधनों तक पहुँच होना ही जरूरी नहीं है, इसके लिए साथ साथ प्लस जरूरी क्या है, आप क्या स्वस्थ भी रहें। अब चलिए आप स्वस्थ भी हैं, अब आपको अगर शिक्षा नहीं है तो क्या आपको नौकरी मिलेगी? आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप दिहाड़ी मजदूर बनेंगे, फिर आप छोटा मोटा कोई बिजनेस करेंगे। तो संसाधनों तक पहुँच, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीनों चीज जो हैं मानव विकास के घटक हैं, और ये तीनों ही चीज सुनिश्चित करते हैं कि आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं या नहीं। अगर इन तीनों में से एक भी चीज आपके पास नहीं है तो आपकी क्षमता कम हो जाएगी। यदि यह ना हो तो मानव की क्षमता कम होगी और विकल्प सीमित हो जाएंगे। क्षमता कम होगी समझ गए कैसे? भाई आपके पास संसाधन तक पहुंच ही नहीं है, आप पढ़ ही नहीं सकते, आपको नौकरी ही नहीं मिल सकती, तो क्या आपकी क्षमता कम नहीं होगी? परचेजिंग पावर आपकी कम नहीं होगी, आप भूखे रहेंगे, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप स्वस्थ नहीं है तो आपकी क्षमता ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। भाई आपका हाथ खराब हो गया, आपका पैर खराब हो गया, किसी का भी पैर खराब हो गया, हाथ खराब हो गया, तो क्या वो नौकरी कर सकता है? क्या वो काम कर सकता है? नहीं कर सकता, उसकी क्षमताओं में कमी आ जाएगी। या किसी को जो है इस प्रकार की बीमारी हो गई है कि वह बेड से नहीं निकल सकता, तो क्या उसकी क्षमता में कमी नहीं आई है? कमी आई है। शिक्षा के अलावा आपके विकल्प सीमित हो जाएंगे। भाई आप 12वीं क्लास नहीं पढ़े तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप 12वीं क्लास नहीं पढ़े तो आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या, आपके विकल्पों में जो है वो कमी आएगी, विकल्प आपके सीमित हो जाएंगे। तो मानव विकास के ये घटक हैं, इनको पूरा करने के बाद ही कोई आदमी सार्थक जीवन जी सकता है, और अगर ये यदि ये ना हो तो आदमी की क्षमता कम हो जाएगी, मानव की क्षमता कम होगी और विकल्प भी सीमित हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये बात भी आप इस बात को भी समझिए कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, और संसाधनों तक पहुँच बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही चीज़ उसकी क्या करते हैं, क्षमताओं का निर्माण करते हैं। तो इससे अब मैंने जैसा आपको बताया कि ये सब चीज़ें आपको मदद करती हैं मानव विकास के कॉन्सेप्ट को समझने में। तो ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है कि क्यों मानव विकास हम पढ़ते हैं, मानव विकास कहाँ से आया, वो महबूबुल हक और 90 के दशक का UNDP, मानव विकास के घटक। अगली वीडियो में हम मानव विकास के 4 स्तंभों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।